राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ललिता जी की वंडरफुल किचन में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मिक्स वेज का पोहा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और आपको सब बता रहे हैं ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो एक एक करके आपको सब समझाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ललिता जी की वंडरफुल किचन में। आज का एपिसोड हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ बहुत ही पॉपुलर और सबका मतलब टेस्टी मिक्स वेज पोहा। और इसको आप हेल्दी भी कह सकते हैं और किड्स के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इसमें हमने देखिए ये कॉलीफ्लावर और कैबेज और ये अपना पीस और कैरेट ये ऐड किया। तो अब हम सौते करेंगे। इसमें हमने जिंजर ऑयल दिया है देखिए, और ये क्रैकल करने के लिए राई दाना और हल्का सा ज़ीरा और दो लाल मिर्च को चार टुकड़े करके इसमें हमने ये इसका बादाम और थोड़ा सा कड़ी लीव्स बाद में देंगे, कड़ी लीव्स अब दे रहे हैं हम। तो ये जो वेजीज हैं इसका ये बघार हो गया, अब इसको हम सौते करेंगे और बाद में हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे। तो ये एक टीस्पून हमने सेंधा नमक इसमें डाला, हम इसका लिड लगा देंगे और बस इसको हल्का सा स्टीम करेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने दो टमाटोज को फाइनली चॉप कर लिए और अब इसमें ये जिंजर की हम क्यूब कर करके या घिया कस किया कर सकते हैं, और ग्रीन चिलीज को अब हम घिया कस करेंगे। ये एक क्यूब हमने लिए, और ये एक पूरा लेमन ये इसमें स्क्वीज करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बात नोट करिए कि इसमें हम ट्रेडिशनल पोटैटोज नहीं डाल रहे हैं, उसके बिना बना रहे हैं वेजीज, पोटैटोज और वो सब तो मतलब सबने ट्राई किया है। ये भी है, आप ट्राई करिए ऐसे रेसिपी केवल वेजीज डाल के। और इसमें हम अब ये ग्रीन चिलीज ऐसे रिंग छोटे छोटे करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो पोहा है अब ये एक इंटरनेशनल रेसिपी बन गई। आप फॉरेन में भी जाओ तो आपको इंडियन पोहा
आपको सर्व करेंगे हर एक रेस्टोरेंट में। बहुत ही सिग्नेचर डिश हो गई है। और फिर जो लोग मतलब ये एक्चुअली फुल ऑफ फाइबर है, जो पोहा है फाइबर कंटेंट बहुत है, और वेजीज इसके साथ मिक्स करके ये जो लोग जिम करते हैं उनके लिए भी एक ये हेल्दी डाइट है, और किड्स के लिए भी हैं, स्कूल में आप टिफ़िन दे सकते हैं तो वो लोग भी इंजॉय करेंगे। पर बच्चों के लिए ये फिर ग्रीन चिलीज नहीं देना क्योंकि वो स्पाइसी हो जाएगा उनके लिए। और ये देखिए ये स्टीम हो गई है हमारी वेजेस, तो इसको एक दफ़ा हिला के देखते हैं। तो अभी और लिड लगाना पड़ेगा, थोड़ा और स्टीम करना पड़ेगा, एकदम सॉफ्ट करना है इसे। और ये हमने बढ़िया से वॉश करके, ये देखिए एकदम बढ़िया फाइन वाला पोहा है। तो ये हमारा तैयार कर लिया हमने। और फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि अब ये एकदम से बढ़िया सॉफ्ट हो गई है वेजीज। अब इसमें ये हम मिक्स कर रहे हैं टमेटोज दो क्यूब वाले, और अपना जिंजर घिया कस किया हुआ, और अपना ग्रीन चिलीज, और इसमें अब हम ऐड करेंगे हल्दी आधा टीस्पून, और एक टीस्पून हम कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे, और इसको बढ़िया से हम सौते करेंगे। इसको अब लिड लगाएंगे ताकि टमाटो अपना पक जाए। तो ये फ्रेंड्स देखिए इसमें हम होममेड पनीर जो कि गाय के दूध से हमने बना के रखा है ये इसमें ऐड करेंगे। करीब 150 ग्राम पनीर है, तो इसको हमने छोटे छोटे क्यूब करके, तो ये पनीर वाला पोहा मिक्स वेजीज के साथ। पटेटोस आज नहीं हम यूज़ करेंगे। अब ये कुक हो गया टमाटो इसके साथ। इसमें हम होममेड पनीर ऐड करेंगे। बढ़िया से इसको सौते करेंगे। धीरे धीरे पोहा ऐड करेंगे इसमें।
इसका पानी ड्रेन हो गया पोहा का। और फ्लेम एकदम हाई रखेंगे। अब इसको मिक्सिंग बढ़िया होनी चाहिए, ऊपर नीचे मिक्सिंग करेंगे पोहा और वेजीज। बाकी का जो अब मिक्स करेंगे, अब मैं देश विदेश के वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। आज भगवान के भोग में गोपाल जी को हम ऑफर करेंगे मिक्स्ड वेजीज विद पनीर पोहा। तो फ्रेंड्स, पोहा इज फुल ऑफ फाइबर और ये इसमें ज़ीरो फैट कंटेंट्स है, तो कोलेस्ट्रॉल की कोई टेंशन नहीं है इसमें। और जिंजरी ऑयल हमने यूज़ किया है। अब ये एक पूरा लेमन हम स्क्वीज करेंगे इसमें। तो इवन शुगर पेशेंट्स के लिए भी सेफ है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत है। तो शुगर पेशेंट्स भी सेफली इसको विदाउट एनी टेंशन इसका हाँ अपने लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में आप इसको ट्राई करिए। तो अब बढ़िया से ये मिक्सिंग हो गई और अब चलिए हम अब भोग लगाते हैं। तो भक्तवृंद, आप दोस्तों, मित्रों, बुजुर्ग लोग अब आज के गोपाल जी के दर्शन आप लोग सब मिलके करिए। और ये हमने पोहा का भोग निवेदन किया है। तो वीडियो दोस्तों भक्तवृंद आज यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है हमारी, तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव।